हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए मैं आप दिखा रहा हूँ कि इसकी जो आपकी आउटपुट होगी इस वीडियो की, वो ये है कि ये हमारा एक टेबल है एंड इस टेबल की हम पर्टिकुलर रो की ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन सी, ये मैं किसी भी कॉलम से चेंज नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ एक ही कॉलम जिसका नाम है एक्शन, एंड वहाँ से मैं इसको ड्रैग करके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दे सकता हूँ। लाइक जीवन को मैं टॉप में ला सकता हूँ, फिर मैं आरती को नीचे ला सकता हूँ, मैं युवराज को टॉप में ले जा सकता हूँ, एंड एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम। बट इसकी रिफ्रेश करने पे ये ऑर्डर चेंज हो जाती है, बिकॉज ये हम स्टेट में मेंटेन कर रहे हैं ना कि डाटाबेस में। दैट इज वाई यहाँ पे इसका जो स्टेट में रिफ्रेश करने के बाद चेंज हो जाती है। तो चलते अपने कोड के अंदर, हम देखते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा बेसिकली कोड है एंड कुछ 51 लाइन का कोड है, एंड इसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी मैं उसे रिमूव करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये टेबल। इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होगी और फंक्शनैलिटी मैं क्रिएट करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वेट करें तब तक के लिए। नाउ यू कैन सी हियर कि हमारे पास जो ये टेबल है उसमें अब ड्रैग एंड ड्रॉप की इवेंट रिमूव हो चुकी है और ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब मैं इसे ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहा है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक पैकेज जिसका नाम है रिएक्ट ब्यूटीफुल डीएनडी। सिंपली आप जाओगे npm के पेज पर, सर्च करोगे रिएक्ट ब्यूटीफुल डीएनडी तो ये आपको पेज मिल जाएगी। एंड यहाँ पे एक कमांड है npm इंस्टॉल रिएक्ट ब्यूटीफुल डीएनडी, इसको कॉपी करके आप टर्मिनल में रन कर सकते हो एंड आपके प्रोजेक्ट में ये इंस्टॉल हो जाएगी। एंड मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो आप, API का सेक्शन है। एंड इस सेक्शन में यहाँ पे ये तीन चीज़ें मेंशन करके रखा है, दैट इज ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके अंदर एक नया कंपोनेंट जिसका नाम है ड्रॉपेबल कंपोनेंट, एंड ड्रॉपेबल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ड्रैगेबल कंपोनेंट है। दीज आर थ्री कंपोनेंट जो हमको अपने कोड के अंदर ऐड करनी है एंड हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी हम अचीव कर लेंगे। नाउ ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो भी आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट है जिसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप को रखना है, उसको आप रैप कर दो इनसाइड दिस ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट। तो हमारी पूरी की पूरी टेबल रैप हो जाएगी इनसाइड दिस ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और ड्रॉपेबल क्या करता है, ड्रॉपेबल कंटेन करता है वो सभी एलिमेंट जो ड्रैगेबल हो। तो हमारे पास यहाँ पे टी बॉडी एक एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास टेबल की रो होगी जिसको हम ड्रैग कर पाएंगे। तो हमारा जो जितना भी टी बॉडी है उसको हम रैप कर देंगे इनसाइड ड्रॉपेबल, ठीक है। एंड ड्रैगेबल क्या है, ड्रैगेबल बेसिकली हमारा वो सभी रोज होगा जिसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सो दिस ऑल रो विल कम इनसाइड द ड्रैगेबल। इतना कुछ समझने के बाद आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। एंड चलते अपने कोड के अंदर, एंड यहाँ पे मैंने सिंपली इंपोर्ट कर रखा है दिस जो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया, ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट, ड्रॉपेबल एंड ड्रैगेबल। ये सब कहाँ से आएगा, रिएक्ट ब्यूटीफुल डीएनडी में, जो आप इंस्टॉल कर लिया होगा आई होप। एंड सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जितनी भी टेबल को है उसको हमें यहाँ से कट करना है एंड इसको हमें रैप करना है इनसाइड ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ से लेफ्ट को हाइड कर लेता हूँ एंड लेट मी कॉल दिस ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हम टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो देन यू कैन सी हियर, रिफ्रेश करने पे कुछ भी चेंजेस नहीं आई है, बट हमारा जो ये अब टेबल है उसके अंदर अब हम ड्रॉपेबल एंड ड्रैगेबल कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। हाँ, इसके अंदर हमारे पास देख सकते हो आप तीन ये लिंक भी मिलेगी, ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट की पेज की, ड्रॉपेबल कॉन्टेक्स्ट की पेज की एंड ड्रैगेबल कॉन्टेक्स्ट पेज की। तो मैं सबको ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको वही कंपोनेंट जो मैंने कॉल किया वो कॉल करना है एंड इसमें कुछ इवेंट्स ऐड करने हैं जो भी हम नहीं हम बाद में ऐड करेंगे ना। इसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट क्या था जिसका नाम था ड्रॉपेबल, सो वी विल कॉल दिस ड्रॉपेबल। एंड हाउ टू डिफाइन दिस, तो सिंपली यू कैन सी हियर कि ड्रॉपेबल को डिफाइन करना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको ड्रॉपेबल कंपोनेंट ऐड करने हैं एंड उसको एक ड्रॉपेबल आईडी देनी है। सो लेट्स गो टू इन टू द कोड एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारी टी बॉडी है उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड कट करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे ड्रॉपेबल, ठीक है। तो ड्रॉपेबल को हमें ऐड करनी है ड्रॉपेबल आईडी, हम यहाँ पे आईडी कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली कहता हूँ टेबल बॉडी, ठीक है। एंड लेट मी क्लोज दिस एंड इसके अंदर हमें पेस्ट कर देना है टी बॉडी। जब इसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, यू कैन सी हियर नथिंग इज देयर। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन इज नॉट अ फंक्शन, जो इसकी चिल्ड्रन है वो एक फंक्शन होनी चाहिए। ड्रॉपेबल की चिल्ड्रन ऑलवेज शुड बी अ फंक्शन। कैसे करेंगे, तो सिंपली ऐसे हम टी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड टी बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे एंड दिस इज द एरो फंक्शन एंड वी विल कॉल इट एंड रिटर्न जेएसएक्स कोड एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड लेट मी रिमूव दिस हियर हियर। तो अब क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो भी टी बॉडी थी उसको हमने ड्रॉपेबल के अंदर एज अ चाइल्ड ऐड किया, जो चाइल्ड हमारा फंक्शन है, जो हमारी एरर आई थी उसको हमने यहाँ पे अब रिमूव करने की कोशिश की है। लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज वर्किंग। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारा ड्रॉपेबल है, ड्रॉपेबल में जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट होना मस्ट है, दैट इज प्रोवाइडेड और स्नैपशॉट, या फिर दोनों भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम सिंपली यूज करने वाले हैं प्रोवाइडेड, क्योंकि हमें सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना है ना कि स्टाइल कुछ ऐड करना है। तो स्नैपशॉट हम यूज करते हैं टू गिव सम स्टाइल्स, जब वो
ड्रैगिंग ओवर हो जाता है तो कौन सी कलर होगी, अगर ड्रैगिंग कर रहा है तो कौन सी कलर रखना है, वो चीज़ आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो नहीं करना हमें, हमें सिंपली यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ करना है, दैट इज़ प्रोवाइडेड। सो प्रोवाइडेड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, एंड इस प्रोवाइडेड के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस होगा एंड एक प्रॉप्स होगा। सो रेफ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड डॉट इनर रेफ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक कुछ प्रॉप्स होती है इसके अंदर, तो प्रॉप्स में क्या करूँगा, स्प्रेड कर देता हूँ प्रॉप्स को, एंड जो हमारे ड्रॉपेबल है, सॉरी प्रोवाइडेड डॉट ड्रॉपेबल प्रॉप्स, तो हमारे पास होता है ड्रॉपेबल, बैड ड्रॉपेबल प्रॉप्स, एंड हियर वी गो। फिर भी हमारे पास जो भी वर्किंग है वो सेम है, यहाँ पे अभी भी ड्रैग काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट है जिसका नाम है ड्रैगेबल। जितनी भी रोज है उसको हमें रैप करना है इनसाइड ड्रैगेबल। वो कैसे करेंगे, चलते अपने ड्रैगेबल वाले पेज पे, एंड इसकी भी डेफिनेशन सेम है, इसकी भी एक जो चाइल्ड होनी चाहिए वो फंक्शन होनी चाहिए, कैन सी हियर, एंड ड्रैगेबल को भी हम एक आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी हमारी टीआर है, लेट मी सिलेक्ट ऑल एंड कट दिस, मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ड्रैगेबल, एंड ड्रैगेबल में हम एक ऐड आईडी देंगे, दैट इज ड्रैगेबल आईडी, एंड आईडी क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू हमारे पास क्या है बेसिकली, यहाँ पे यूजर डॉट नेम, फॉर नाउ ये हमारे पास यूनिक वैल्यू है। अगर आपके पास नहीं होता है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नेम एंड इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ अब हमारे टेबल रो को, एंड लेट मी रिफ्रेश दिस पेज एंड होप इट शुड वर्क। यू कैन सी हियर, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चिल्ड्रन इज नॉट अ फंक्शन, जो हमने अभी गलती की है। तो हमारा जो टीआर है वो बेसिकली टीआर नहीं, यहाँ पे ड्रैगेबल की जो चिल्ड्रेन होनी चाहिए वो हमारी यहाँ पे एक फंक्शन होनी चाहिए, और इसके पास भी हमारे पास जो होता है प्रोवाइडेड होता है एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट। यहाँ पे मैं प्रोवाइडेड को कॉल कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा जेएसएक्स कोड, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेट मी सेव दिस वन, एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो हमारा कंपोनेंट है सभी वो ड्रैगेबल तो है, बट इसमें हमने ना तो प्रॉप्स ऐड किया है, ना हमने हैंडल, जो हमारे पास एक ड्रैगेबल प्रॉप्स भी होता है। सो ड्रैगेबल के अंदर हमारे पास दो प्रॉप्स होते हैं, दैट इज वन इज ड्रैगेबल प्रॉप्स एंड वन इज ड्रैग हैंडल प्रॉप्स, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेट मी कॉपी दिस थ्री, रेफरेंस भी हमारे पास है, एंड लेट मी पेस्ट इनसाइड आवर टी टैग टी आर टैग। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड सिंपली जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर हमारी पूरी की पूरी रोज है वो अब ड्रैगेबल है। भी हमारी एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरी रो ड्रैगेबल है, हमें सिर्फ एक्शन पे ऐड करना है, तो काफ़ी सिंपल उसको फिक्स करना, यहाँ पे जो हमारी ड्रैग हैंडल प्रॉप्स है उसको यहाँ से कट करके हम किसी एक सेल पे ऐड कर सकते हैं, किसी एक कॉलम पे ऐड कर सकते हैं, और मैंने फर्स्ट कॉलम पे ऐड किया जो हमारी एक्शन वाली कॉलम है ना। अगर मैं किसी और कॉलम पे होवर करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जब मैं एक्शन वाले पे करूँगा तो यहाँ पे वो ड्रैग कर पा रहा है, दैट इज ओके। बट यू कैन सी हियर जब मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो जो हमारी ये टेबल की साइज है या विड्थ है वो यहाँ पे एक्चुअली हाइट वो कम जा रहा है। यू कैन सी हियर जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ जीवन को तो हाइट कम जा रहा है। उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है जो हमारे ड्रॉपेबल के पास है, दैट इज प्लेस होल्डर। जो भी हम जब हम किसी चीज़ को यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो उसकी प्लेस होल्डर हमें ऐड करना है ताकि उसकी विड्थ या फिर उसकी हाइट कम ही ना। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी, एंड अपने कोड के अंदर जब हमारा टी बॉडी ख़त्म हो रहा है, जब भी आपका ये ड्रैगेबल ख़त्म होता है के बाद आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड डॉट प्लेस होल्डर। सो अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी हियर हमारे पास साइज जो इसकी हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है। बट अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, लेट मी कट दिस वन एंड सेव दिस वन। तो अब अगर मैं यहाँ पे किसी को सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी हियर इसकी हाइट कम गई है, एक एलिमेंट की हाइट कम जाती है, यू कैन सी हियर एक एलिमेंट की हाइट कम जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कलर देखे क्या होते हैं। सो लेट मी बैक एंड रिमूव द कलर ऑल्सो एंड सेव दिस वन। सो हियर वी गो। तो अभी हमारी आपने समझ लिया कि प्लेस होल्डर हम क्यों यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारा ड्रैग तो हो रहा है बट इसकी ऑर्डर चेंज नहीं हो पा रही, यू कैन सी हियर जैसे मैं जीवन को लास्ट में कर रहा हूँ फिर से वो फर्स्ट में चला जाता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हमारे पास जो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारे पास इवेंट होते हैं। इवेंट का नाम क्या है हमारे पास, इवेंट का नाम है ऑन ड्रैग एंड। जब हमारा ड्रैग एंड होगा तो हमें एक फंक्शन कॉल करनी है, ठीक है। इसकी आर्गुमेंट क्या होती है बेसिकली रिजल्ट्स, तो हमारे पास आएंगी रिजल्ट्स, RUSLT रिजल्ट्स, एंड मैं इसको एज एरो फंक्शन कॉल करता हूँ, एंड फंक्शन का नाम मैं देता हूँ हैंडल ड्रॉप या फिर नो ड्रॉप हैंडल ड्रैग एंड, ठीक है। ये हमारा फंक्शन होगा, इसकी आर्गुमेंट हम रिजल्ट्स ही पास करेंगे। अब इसको हमें डिफाइन करना है तो काफ़ी ईजी है, मैं इसे एज एरो फंक्शन डिफाइन करूँगा यहाँ पे, तो कॉन्स्ट दिस, एंड इसकी जो आर्ग्यूमेंट क्या होगी वो बेसिकली होगी हमारे पास रिजल्ट, एंड ये हम डिफाइन करेंगे एज अ एरो फंक्शन, एंड मैं यहाँ पे इसे कॉल कर दे रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड रिजल्ट्स आने के बाद मैं इसे लॉग करता हूँ कि रिजल्ट्स में आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है, लेट मी सी। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को कॉल करता हूँ, एंड हियर वी गो, लेट मी ओपन द कंसोल हियर, कंट्रोल शिफ्ट आई, एंड लेट मी गो टू कंसोल,
रिफ्रेश द पेज एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, शुभम रिक्वायर्स एंड इंडिजन ड्रग प्रॉप्स। अब यहाँ पे एक और हमारे पास एरर आई है, दैट इज हमारी जितनी भी ड्रैगेबल है उस ड्रैगेबल को हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो हमारा ड्रैगेबल है उसमें हम एक पास करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, दैट शुड बी इंटीजर वैल्यू, आपने देखा होगा वार्निंग में कि रिक्वायर्स एन इंटीजर इंडेक्स प्रो, जो हमें यहाँ पे ऐड करना है। हमने ऐड कर दिया, अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो वो वार्निंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक वार्निंग क्या है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रो, तो वो कैसे हम करेंगे, जो हमारे ये प्रोवाइडेड टी बॉडी पे है हमारे पास, ठीक है, मैप कहाँ पे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं यूजर्स डॉट मैप। तो अभी यहाँ पे हम की ऐड करना है हमें इसके अंदर, सेम चीज यूजर डॉट नेम को ही मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज अ की। तो मैं सिंपली से की, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू है फॉर मी, तो मैं की इसको ऐड कर देता हूँ एंड हियर वी गो, वो भी वार्निंग यहाँ से अब रिमूव हो जाएगी। ना हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास रिजल्ट की फंक्शन क्या है। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यू कैन सी हियर ऑन ड्रैग एंड पे एक लॉग कर रहा है, एंड लेट मी रिफ्रेश, मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होंगी जो हमारे पास यूजफुल है, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मैं पे आरती को सिलेक्ट करूंगा, तो आरती के इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, एंड मैं इसको रिप्लेस करूंगा जीवन को, तो जीवन की इंडेक्स क्या है, 0। हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए वो दैट इज 2 एंड डेस्टिनेशन होना चाहिए यहाँ पे 0। मैं इसे पेस्ट करता हूँ एंड यू कैन सी हियर, जब मैं इसे ओपन करूंगा एंड सोर्स के इंडेक्स क्या है 2 एंड डेस्टिनेशन के इंडेक्स क्या है 0। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर थी जो हमें ऐड करनी थी, ठीक है। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम कुछ चेंजेस करेंगे और जो हमारी स्टेट है उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें टेम्प्रेरी क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट टेम्प यूजर इज इक्वल टू, मैं सिंपली यहाँ पे स्प्रेड कर रहा हूँ जो हमारी करंट स्टेट की वैल्यू है, दैट इज यूजर्स। ओके, नाउ इस टेम्प यूजर से हमें क्या करना है, टेम्प यूजर को बेसिकली हमें गेट करना है वो आइटम जो हमने सेलेक्ट किया। सो लेट सेलेक्टेड रोज कह सकता हूँ मैं, सेलेक्टेड रोज रो, एंड एम्प यूजर में क्या करूँगा, सिंपली टेम्प यूजर डॉट स्प्लाइस, जो भी हमारी एरे होती है उस पर एक फंक्शन है हमारे पास स्प्लाइस, एंड उसमें क्या होता है, तीन आर्गुमेंट, स्टार्ट, डिलीट काउंट एंड एंड। एंड में क्या करना है, हमें एंड में बेसिकली ऐड करना पड़ता है एरे जो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा जो हमने डिलीट किया है, ठीक है। स्प्लाइस में सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे पास क्या होगा, सोर्स की इंडेक्स, जो हमारी इंडेक्स आ रही है, इंडेक्स कहाँ से आ रही है, रिजल्ट, जो मैंने आपको दिखाया, रिजल्ट डॉट सोर्स एंड सोर्स डॉट इंडेक्स। कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, सिर्फ एक को डिलीट करना है एंड रिप्लेस करना है कि नहीं वो हमें नहीं करना। तो सिंपली अब यहाँ पे रिजल्ट्स को तो हम प्रिंट कर रहे हैं, लॉग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्टेड रो को भी अब लॉग करके दिखाता हूँ कि सिलेक्टेड रो में क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे बेसिकली आउटपुट वो होना चाहिए, जो भी हम सोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लॉग होनी चाहिए सिलेक्टेड रो के लिए। चलते अपने कोड के अंदर, लेट मी रिफ्रेश इस पेज, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ आरती को, तो एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आरती लॉग होनी चाहिए। कैन सी हियर, एक हमारे पास एरे आई है जिसकी वैल्यू क्या है, आरती, उसकी एज जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दिस इज आवर सिलेक्टेड रोज, एंड मैं इसको करता हूँ सिंपली एक वेरिएबल की तरह कॉल करना चाहता हूँ, ना कि एरे की तरह। यहाँ पे एरे में आउटपुट आई थी, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यू कैन सी हियर अब हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आया, ना कि एरे आया। तो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। ना मैं इस कंसोल लॉग को रिमूव करता हूँ यहाँ से, एंड अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज जो हमारा टेम्प यूजर है उसमें मैं स्प्लाइस करूंगा, जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे पहले हमें ऐड कर देना किसको, जो हमारी सिलेक्टेड रो थी। तो मैं करता हूँ रिजल्ट डॉट सोर्स डॉट इंडेक्स नहीं, मैं अभी करूँगा सबसे पहले डेस्टिनेशन डॉट इंडेक्स, डेस्टिनेशन डॉट इंडेक्स। इस इंडेक्स के बाद इस एलिमेंट को डिलीट करना है, 0 एलिमेंट को डिलीट करना है, एक भी डिलीट नहीं करना है, बट उसकी प्लेस पे हमें रिप्लेस कर देना है किस से, सिलेक्टेड रो से। मतलब जो हमारी इंडेक्स, जो हमारी डेस्टिनेशन की इंडेक्स है उससे पहले हमें सिलेक्टेड रो को ऐड करना है। तो ये हमारी बिहेवियर है। इतना कुछ करने के बाद हमें सेट करना पड़ेगा जो हमारा टेम्परेरी ये यूजर है उसको हम सेट कर देंगे इनटू आवर स्टेट। सो टेम्प यूजर को हम सेट कर रहे हैं, लेट मी सेव दिस वन, लेट मी गो देयर एंड लेट मी रिफ्रेश द पेज, एंड हियर यू कैन सी, जब मैं इसको अभी सेलेक्ट करता हूँ एंड ड्रैग करता हूँ लास्ट में, यू कैन सी हियर जीवन अब लास्ट में आ चुका है। फिर से मैं जीवन को आरती के ऊपर करता हूँ, तो जीवन और आरती साथ में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आरती को मैं जीवन के प्लेस में करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे आ जा रहा है, दैट इज ओके। मेरे फेस द पेज एंड अगेन वो हमारी स्टेट की बिहेवियर वहाँ पे चली गई। इसमें एक और वार्निंग आएगी या फिर एरर आएगी, वो है कि अगर मैं इस जीवन को सिलेक्ट करके आउटसाइड दिस ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट, तो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे सिर्फ टेबल के अंदर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं इसे आउटसाइड टेबल लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएंगे, एंड यू कैन सी हियर क्या कह रहा है कि ये जो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ नल, क्योंकि जो हमारी अब डेस्टिनेशन है वो आउटसाइड द टेबल है, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन तो नल हो जाएगी, वो कैसे करेंगे रिमूव। तो सिंपली हमारी जो ये ड्रैग एंड है उसमें हम चेक करेंगे इफ
जो हमारी डेस्टिनेशन इज नॉट देयर, तो हमारे रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर इफ नॉट डेस्टिनेशन, इफ देयर इज नॉट एनी डेस्टिनेशन देन हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे. रिटर्न कुछ भी नहीं करना, सिंपली रिटर्न कर दो स्टेटमेंट, दैट्स इट. लेट मी फेस द पेज एंड अब अगर मैं इस जीवन को सिलेक्ट करता हूँ एंड कहीं भी लेकर जाकर छोड़ दूंगा तो वो फिर से अपनी प्लेस पे आ जाएगा, बिकॉज हमारी डेस्टिनेशन इज नथिंग, नल है हमारा डेस्टिनेशन. तो बस इतना था आज के इस वीडियो में. आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रीवॉच कर लें, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें इस कमेंट बॉक्स में कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग. बाय बाय.